Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you are fine. Today we will read the chapter number 9 of this book. This book is for matric class, okay? It's published by Sindh Textbook Board Jamshoro. So the chapter number 9 is upon nation's strength on page number 34, a nation's strength after the work, dignity of work. So this poem is written by Ralph Waldo Emerson. First of all, we will read something about the poet. Okay. So nation's strength मतलब कौम की मजबूती, एक कौम कैसे मजबूत हो सकती है. This poem is written by Ralph Waldo Emerson 1803-1882. ये नज़म लिखी गई है राल्फ वाल्डो एमर्सन से, जो 1803 में पैदा हुए और 1882 में उनका इंतकाल हो गया. He was born in Boston, USA. वो बोस्टन में पैदा हुए थे, एक शहर है USA का, United States of America. He was an essayist, a poet and a philosopher. वो essayist थे, मतलब ऐसे निगार और poet, शायर थे और philosopher भी थे. His philosophy is everlasting. इनका जो फ़िलसफ़ा था वो हमेशा तक रहेगा. Because it arose from a desire to make all things new. क्योंकि ये एक ख्वाहिश से मतलब लिया गया है कि सारी पुरानी चीज़ों को नया बना दो, नया नयापन लाओ ज़िंदगी में. To seize life freshly, ज़िंदगी को ताज़ा बना दो. Experience it first hand, उनको पहले ही मतलब पहली मरतबा उनको महसूस करो ज़िंदगी को, सोचो नहीं मतलब इन्जॉय करो पहली मरतबा. यूज़ इट टू बिल्ड बियॉन्ड द ओल्ड, पुरानी ज़िंदगी को भूल जाओ, नई ज़िंदगी को पहली मरतबा जियो. मतलब न्यू मॉडर्न वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड मॉडर्न फिलोसॉफी वो देना चाहते थे. ठीक है, रॉल्फ वाल्डो एमर्सन नेशनल पोइट भी कहा जाता है इसका, अमेरिका का. वो बोस्टन में पैदा हुए थे 1803 में, 1882 में इंतकाल हुआ था उनका. एसेस्ट भी थे और वो एसेस्ट भी थे, पोइट भी थे. उसके अलावा राल्फ वाल्डो एमर्सन जो थे वो फिलोसोफर्स भी थे, और उसकी फ़िलोसॉफी एवरलास्टिंग है क्योंकि उनमें उन्होंने न्यूनेस फिलोसॉफी में दी है. मतलब वो मॉडर्न ज़िंदगी या ज़िंदगी को जियो लेकिन नए अंदाज़ में जियो, पुराने रस्म रवाजों को ख़त्म करो. जैसे ही ज़िंदगी नई नई आ रही है उसको नई ज़िंदगी में अडॉप्ट करना सीखें आप लोग. ठीक है, न्यूज़ लाइफ में अडॉप्ट करना सीखें और ज़िंदगी को मॉडर्नाइज बनाएं, इस दुनिया को मॉडर्नाइज बनाएं और नए तरीके जो आ रहे हैं जीने के उनको उनमें खुद को समा देना या खुद को एडजस्ट करना सीख लो. ठीक है, अब ये पोएम्स पढ़ रहे हैं हम, पोएम्स में क्या लिखा है देखते हैं. नॉट गोल्ड बट ओनली मेन कैन मेक, सोना नहीं मतलब जो सोन होता है सोना नहीं लेकिन जस्ट फकत इंसान ही बना सकता है. पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, एक कौम को मजबूत अजीम और मजबूत, एक मजबूत और अजीम कौम कौन बना सकता है, इंसान ही बना सकता है. सोना नहीं, पैसा नहीं, जेवर नहीं, दौलत नहीं, दौलत कुछ भी नहीं है. इंसान अपनी मेहनत से कौम को अजीम और मजबूत बनाता है. मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर से, वो लोग या वो कौम, इसमें मैन या पीपल यूज़ हो तो मतलब कौम को शो कर रही हैं, वो लोग या वो कौम जो सच्चाई और ऑनर से इज्जत की खातिर जीते हैं, सच्चाई या इज्जत की खातिर जो लोग जीते हैं, स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग, मजबूती से खड़े होते हैं और सफ़र लॉन्ग मतलब वो हमेशा तक बर्दाश्त करते हैं, सब्र करना सीखते हैं, मतलब आखिर तक वो बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं. वही लोग जो सच्चाई के लिए जीते हैं और इज़्ज़त के लिए जीते हैं और मजबूती से खड़े होते हैं और उनमें सब्र होता है, पेशेंस होता है, वही लोग कौम को मजबूत बना सकते हैं, एक अजीम और मजबूत. ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीव्स, बहादुर वो लोग वो होते हैं जो बहादुर लोग हमेशा काम करते हैं जब दूसरे सोते हैं. मतलब इसका मतलब ये है कि जब दूसरे काम नहीं करते हैं वो गफलत वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, तो बहादुर लोग जीते हैं. हु डेयर वाइल अदर फ्लाई, वो हिम्मत करते हैं जब दूसरे भाग जाते हैं, वो मैदान में डटे रहते हैं जब दूसरे भाग जाते हैं. दे बिल्ड नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, वही बहादुर लोग जो काम करते हैं, मतलब दूसरे लोग गफलत में होते हैं वो काम करते रहते हैं और जो डटे रहते हैं मतलब वो दूसरे भाग जाते हैं, वही लोग
कौम के खम्भे को मजबूत करते हैं और एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और कौम के खम्भे को या मतलब कौम को आसमान तक पहुंचा देते हैं, अजीम बना देते हैं। यही है मतलब पेट्रियटिज़म का लेसन दिया गया है इसमें, रॉल्फ वाल्डो एमर्सन ने दिया है कि हमेशा अगर अपनी कौम को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने आप में सच्चाई लाएं, अपने आप में ईमानदार ऑनेस्टी ऑनर इज्जत लाएं, रुतबा लाएं, मर्तबा लाएं, मजबूत हो जाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं और अपने आप को साबरीन बनाएं और हर वक्त काम में मसरूफ़ रहें, बिला वजह अपना वक्त ज़ाया ना करें, और जब मैदान में उतरें तो डट के उतरें, मतलब बहादुर होकर उतरें, और अपन यही है अपनी कौम को आप इस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। सो थैंक यू, दिस वाज़ द चैप्टर, दिस वाज़ द पोम एंड दिस इज़ द एक्सरसाइज। यू शुड सॉल्व योर एक्सरसाइज यूर सेल्फ। ओके, आई होप दैट यू कैन सॉल्व योर एक्सरसाइज यूर सेल्फ एंड नेक्स्ट पोम विल बी द ब्यूटीफुल हैंड्स। इंशाल्लाह वी विल रीड इट एंड द नेक्स्ट टाइम। ओके, इफ़ यू लाइक माई, इफ़ यू अंडरस्टूड देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड गिव कमेंट्स। थैंक यू।